हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशा यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आई एम श्योर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज, एसएससी और एनी अदर एग्जाम जहाँ पे जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे पार्डनिंग पावर के बारे में क्वेश्चन हमें एवरी ईयर देखने को मिलता है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द पॉलिटिक्स सेक्शन ऑफ द सिलेबस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट की जैसे टेन्योर क्या होता है, इलेक्शन क्या है प्रेसिडेंट का, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, ये सब प्रेसिडेंट के आसपास क्वेश्चन हमें हर बार देखने को मिलता ही मिलता है। सो दैट इज़ वाई हमारा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसको आप आराम से सुनिएगा, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि हमारी हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि पार्डनिंग पावर होती क्या है और प्रेसिडेंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एज वी नो वी आर लिविंग इन अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। देखो वैसे तो अगर हम ये डिफाइन करने जाएंगे हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बहुत ही बड़ा टॉपिक बन जाएगा, बहुत ही बड़ी वीडियो बनेगी उसके। लेकिन इस वीडियो हम सिर्फ हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो पार्डनिंग पावर के आसपास ही रखेंगे। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ये हमको पता है, बहुत क्लियर बात है। एंड ही इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव और यू कैन से नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। सो देर आर टू काइंड ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट इन इंडिया, वन इज नॉमिनल हेड एंड सेकेंड इज रियल हेड। नॉमिनल हेड है हमारे प्रेजिडेंट साहब और सेकेंड अगर हम बात करते हैं रियल हेड की, रियल हेड ऑफ द स्टेट इज हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब। सो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम बात करते हैं कि मिनिस्टर का, जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे देश में, जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मिनिस्टर हैं, हमारे जो गवर्नमेंट हैं, उनका हेड कौन है? तो उनके हेड हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ना कि प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, लाइक आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, नेवी के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो लोग सारे एग्जीक्यूटिव हैं। तो जब उनका अपॉइंटमेंट होती है तो अपॉइंटमेंट उनकी प्रेसिडेंट के थ्रू होती है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के थ्रू होती है, इसलिए प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एंड वी ऑल नो इन इंडियन आर्म्ड फोर्स देयर आर थ्री सर्विसेज, वन इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, जिनके अपने अपने एक इंडिविजुअल चीफ हैं। लेकिन अगर मैं कमांडर इन चीफ तीनों को, तीनों हमारी सर्विसेज को कलेक्ट करके अगर मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज बोलता हूँ, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का एक पोस्ट है जो हेड करती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को, दैट इज कमांडर इन चीफ, एंड दैट पोस्ट इज होल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। ठीक है, हमने इस बात को याद रखना है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि हु इज द कमांडर इन चीफ इन इंडिया, द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 72 क्या है? सो आर्टिकल 72 डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अ पार्डन इज एन एक्ट ऑफ मर्सी, फॉरगिवनेस एंड क्लेमेंसी। देखो यहां पे आर्टिकल 72 हमारे को क्या बताता है और क्या डिफाइन करता है और किस पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में वो डिस्कस करता है। सो आर्टिकल 72 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब पार्डनिंग पावर बेसिकली होती क्या है? पार्डनिंग पावर का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी कन्विक्ट को, कोई पर्सन अगर जेल में है, पनिशमेंट के एरिया में है, या उसको कोई सज़ा मिली गई है थ्रू दी कोर्ट, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं, सज़ा को एकदम एंड कर सकते हैं, सज़ा को चेंज कर सकते हैं, सज़ा पे स्टे लगा सकते हैं। सो दीज आर द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 72 के अंदर सारी पावर्स डिफाइन है, प्रेसिडेंट का किस तरह से पावर प्रोवाइड की गई है, प्रेसिडेंट कैसे उस पावर को यूज़ कर सकता है, तो ये सब आर्टिकल 72 के अंदर लिखा गया है। हम आगे बात करते हैं। सो आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट द राइट टू ग्रांट पार्डन, रेमिट्स, कम्यूट द सेंटेंसेज ऑफ एनी वन कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम। द पावर ऑफ पार्डन इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या प्रेसिडेंट अपने आप सिर्फ अपनी ही डिस्क्रिशन से, अपनी मर्जी से क्या किसी को पार्डन कर सकते हैं या किसी को माफ़ कर सकते हैं, किसी को उनकी इसकी सज़ा को हम फॉरगिव कर सकते हैं? क्या प्रेसिडेंट के पास, किसी एक पर्सन के पास इतनी पावर हो सकती है? आंसर है नहीं। तो प्रेसिडेंट अकेले सिर्फ अपने डिस्क्रिशन पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिस्क्रिशन ही कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ पार्डन।
पावर ऑफ पार्डनिंग, टू एक्सरसाइज द पार्डन ऑफ पावर, यू नो एक्सरसाइज द पावर ऑफ पार्डनिंग द प्रेजिडेंट हैज़ टू टेक एन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. सो अंडर द आर्टिकल 72 इट इज मैंशन दैट प्रेजिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर, हिज पार्डनिंग पावर बेसिकली बाय हिज डिस्क्रिशन. He has to take advice of the Council of Ministers and act, you know, and do action according to that. ऐसा नहीं है कि खुद जो उनके discretion में होगा, खुद जो उनकी मर्जी में होगा, वो किसी को pardon कर देंगे, किसी की सज़ा को कम कर देंगे, ऐसा नहीं होता. एक process है, उस process के under ही President को जाके इस पूरे के पूरे Article 72 के अंदर जो mention है, एक process mention है, उस process के साथ ही जाके उनको किसी को pardon का, you know, मंजूरी मिलती है, किसी की सज़ा को माफ़ करते हैं, forgiveness करते हैं. तो हमने ये point याद रखना है कि प्रेसिडेंट हमारे एक नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं, कमांडर इन चीफ हैं आर्म्ड फोर्सेस के, एंड ही हैज़ द राइट टू यू नो पार्डन. उनके पास पार्डन, किसी को माफ़ करने का, मर्सी करने का एक पावर है, लेकिन उनकी पावर डिस्क्रिशन पावर नहीं है. वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के साथ ही इस पावर का एक्सरसाइज करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर ये रहता है कि राष्ट्रपति भवन में जब कोई मर्सी की प्ली आती है, बेसिकली अगर मानो कि मैं एक जेल में हूँ एज अ कॉन्विक्ट, एंड मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखूँ या प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन दूँ कि भाई मुझे मेरी सज़ा को कम किया जाए, मैं अच्छा मैंने बिहेव किया है जेल के अंदर, या मैं किसी गलत सज़ा के अंदर फंस गया हूँ, मैं आगे से खुद को चेंज करना चाहता हूँ, नाउ आई वॉन्ट कि भाई मुझे थोड़ी सज़ा कम कर दी जाए, मैं जाके कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ किसी के लिए, या NGO में काम करना चाहता हूँ, ऐसी अगर मैं एप्लीकेशन बना के प्रेसिडेंट को भेजता हूँ, तो प्रेसिडेंट के पास एप्लीकेशन पहुँचती है और राष्ट्रपति भवन से वो एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री जाती है. होम मिनिस्ट्री के बाद जो हमारे होम मिनिस्टर्स हैं या बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, वो कैबिनेट उसको डिस्कस करती है एप्लीकेशन को, और डिस्कस करने के बाद प्रेसिडेंट के पास दोबारा भेजी जाती है. अब बेसिकली तो प्रेसिडेंट को जो भी कैबिनेट की एडवाइस आई है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है. बट हेयर प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू यू नो सेंड बैक दैट रिकमेंडेशन ओनली वंस. वो एक बार उस यू नो चिट्ठी को या उस कैबिनेट के डिसीजन को रिटर्न कर सकते हैं कि भाई इसको रिकंसीडर कर लो, और रिकंसीडर करने के बाद जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट प्रेसिडेंट को दोबारा अपना एक फैसला भेजती है, डिसीजन सेंड करती है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास उस प्ली को या उस एक एप्लीकेशन को साइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता. तो रिकंसीडरेशन का पॉइंट ये है कि द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कैबिनेट एडवाइस. आर्टिकल 74(1) एम्पावर्स हिम टू रिटर्न इट फॉर रिकंसीडरेशन वंस, एंड इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड्स अगेंस्ट एनी चेंज द प्रेसिडेंट हैज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट. मतलब एक बार उस एप्लीकेशन को, उस प्ली को रिकंसीडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है कि आप उसको रिकंसीडर कीजिए, दोबारा इसके ऊपर फैसला लेने का ट्राई कीजिए, और जो भी फैसला उसके बाद कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगी, प्रेसिडेंट को उसको मानना पड़ेगा, हाँ करनी पड़ेगी, सिग्नेचर करने पड़ेंगे. ठीक है, 5 तरह के यहाँ पर हमारे पार्डनिंग पावर्स हैं. एक है पार्डन, फिर है कम्यूटेशन, फिर है रेमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव. हम पांचों को अलग अलग बेसिक समझने का ट्राई करेंगे. फर्स्ट है पार्डन. देखो पार्डन के अंदर क्या क्या आता है पहले हम पढ़ते हैं एक बार. दैट इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्जॉल्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि किसी कन्विक्ट को कोई भी सज़ा मिले, चाहे वो डेथ सेंटेंस है, चाहे वो यू नो एक इम्प्रिजनमेंट है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, या फिर बहुत बड़ी को सज़ा मिली है, अगर प्रेसिडेंट पार्डन की प्ली पे साइन कर देते हैं तो उनकी जो भी सज़ा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एकदम उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा और वो जेल से बाहर आके अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे. सेकेंड है कम्यूटेशन. कम्यूटेशन का मतलब ये है कि जो करेक्टर है पनिशमेंट का उसको चेंज कर दिया जाएगा एक लाइटर फॉर्म में. मानो किसी को अगर डेथ सेंटेंस दिया, एग्जांपल से समझते हैं, मानो अगर किसी को डेथ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू चेंज द करेक्टर ऑफ दैट पनिशमेंट. तो क्या होगा कि वो डेथ सेंटेंस को एक रिगरस इंप्रिजनमेंट में, यानी कि 10 साल 12 साल की इंप्रिजनमेंट के अंदर चेंज कर देंगे. लेकिन अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है और वो 5 साल ऑलरेडी यू नो एक्सपेंड कर चुका है जेल के अंदर, और एंड ही इज यू नो बिहेविंग रियली वेल, जो उनका एक बिहेवियर है वो अच्छा है, कोऑपरेटिव है, काफ़ी वो काम भी करते हैं जेल में, तो इन सब चीज़ों को देख के प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उनकी पूरे यू नो सज़ा के करेक्टर को एक लाइटर फॉर्म में दे दें. तो वो क्या करेंगे, डेथ सेंटेंस को कम करके उनको 10 साल की 15 साल की सज़ा सुना देंगे कि ठीक है इतने सज़ा के बाद आप जेल से बाहर आ सकते हो. तो बेसिकली पॉइंट ये है कम्यूटेशन के अंदर कि सज़ा का करेक्टर, जो पनिशमेंट का करेक्टर है उसको चेंज कर दिया जाता है लाइटर फॉर्म में. ठीक है,
हम पढ़ते हैं थर्ड, थर्ड में है रेमिशन। रेमिशन के अंदर यह है कि करैक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा, जो सजा का करैक्टर है उसे चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड को कम कर दिया जाएगा। मानो किसी को अगर 15 साल की जेल सुनाई गई है, वैसे तो देखो 14 ईयर्स की जेल होती है, जिसे हम एक कहते हैं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गया, वो होती है 14 साल की जेल। लेकिन ये कोई कहीं पर ऐसा फिक्स नहीं है, ये इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट एंड द जज। लेकिन एवरेज अगर आप कहीं देखोगे तो 14 ईयर्स की ही सज़ा मिलती है लाइफ इंप्रिजनमेंट के अंदर। तो अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है और 10 साल या 14 साल की सज़ा मिली है, 14 ईयर्स की सज़ा कोर्ट ने सुनाई है, तो रेमिशन के अंदर क्या होगा? रेमिशन के अंदर जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, वो करैक्टर को चेंज ना करते हुए सिर्फ टाइम पीरियड को चेंज कर देंगे। 10 साल की सज़ा को 5 साल में कर देंगे, 5 साल की सज़ा को 4 साल में कर देंगे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सज़ा का करैक्टर चेंज नहीं किया। अगर सज़ा रिगरस इंप्रिजनमेंट है, या मानो कि किसी काल कोठरी की सज़ा है, एग्जाम बहुत ही सिंपल समझते हैं, अगर किसी को 5 साल की काल कोठरी की सज़ा सुनाई गई है, तो वो रहेगा तो काल कोठरी में, लेकिन 5 की जगह 3 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर सज़ा का करैक्टर चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर सज़ा का टाइम पीरियड चेंज हो गया है, तो इसे हम कहते हैं रेमिशन। आगे बात करते हैं रिस्पाइट का। देखो, रिस्पाइट में और रेमिशन में बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि रिस्पाइट और रेमिशन में क्या डिफरेंस है। रेमिशन और रिस्पाइट का एक ही मतलब है कि किसी भी कॉन्विक्ट को उसका जो सेंटेंस है उसे कम कर दिया गया, जो ओरिजिनली उसको दिया गया था, ओरिजिनली उसका अवॉर्डेड था, जो ओरिजिनली सज़ा सुनाई गई थी, उससे उसके सेंटेंस को या उसकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सज़ा कम करने के कुछ पॉइंट होंगे, कुछ रीज़न होंगे, कुछ स्पेशल फैक्ट होंगे, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, किसी को मेंटली इशू हो गया और वो कोर्ट के अंदर प्रूव कर देते हैं कि भाई इसकी सज़ा को कम कर दिया जाए, या कोई वूमन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी सज़ा को लाइटर फॉर्म में कर दे, जहाँ पे उसको अच्छी सुविधा प्रोवाइड हो सके। मानो किसी प्रेग्नेंट वूमन को एक काल कोठरी सज़ा मिल जाती है, अब पता लगता है कि भाई वो तो प्रेग्नेंट थी, तो बोलेंगे चलो काल कोठरी से निकाल के उसको नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर दिया जाए और थोड़ा ध्यान भी रखा जाए उनका, तो लाइट कर दिया फॉर्म को, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी की सज़ा को टाइम पीरियड को कम कर दिया जाए, तो यहाँ पे अगर हम सज़ा को प्रेसिडेंट साहब चेंज कर रहे हैं तो उसका एक रीज़न होगा, उसका कोई लॉजिकल फैक्ट होगा, स्पेशल रीज़न दिया जाएगा। लास्ट है हमारा रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब यह है किसी की सज़ा के सेंटेंस पे, यानी कि एग्जीक्यूशन के सेंटेंस पे या किसी की पनिशमेंट के सेंटेंस पे कुछ टाइम का स्टे लगा दिया जाए। ऐसा स्टे यूजली आपको डेथ सेंटेंसेस में देखने को मिलता है, ठीक है, कि मानो किसी एक्स पर्सन को डेथ सेंटेंस सुनाया गया और ऐसा लगा प्रेसिडेंट को कि यार अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इसके ऊपर हमें तहकीकात करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि डेथ सेंटेंस इज अ वेरी रिगरस पनिशमेंट और बहुत ही बड़ी चीज़ है। किसी की जान ले लेना कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो प्रेसिडेंट को अगर ऐसा फील होता है या फिर ऐसी एप्लीकेशन दी जाती है कि प्लीज़ हमारी फांसी पर स्टे लगाया जाए, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है, पार्डनिंग पावर के अंदर, रिप्राइव के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डेथ सेंटेंस पे या किसी भी और सेंटेंस पे स्टे लगा सकते हैं। पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू अनेबल द कन्विक्ट टू हैव टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ये एक तरह से ये तरीका ऐसा समझा गया है कि प्रेसिडेंट से स्टे लगा दिया और स्टे लगाने के बाद वो फिर वो ट्राई करेंगे स्टे लगाने के बाद कि भाई अब पार्डन की हम एप्लीकेशन डालेंगे या कम्यूटेशन की एप्लीकेशन डालेंगे। क्योंकि अगर हम पहले रिप्राइव की एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, अगर हमारी फांसी पे स्टे नहीं लगवाएंगे, तो भाई जब फांसी होने के बाद कौन पार्डन लेगा और किसको कम्यूटेशन होगी? तो आई एम श्योर कि आप सबको पांचों की पांचों जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की इजीली समझ आ गई होंगी और आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, अच्छे से समझना, बार बार देखना वीडियो को, समझ आपको इजीली आ जाएगा। एक लास्ट हम कुछ थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। सो प्रेसिडेंट हमारा सेंटर में होते हैं और गवर्नर हर स्टेट के होते हैं। देखो, हर स्टेट के होते या नहीं होते अलग बात है, लेकिन गवर्नर स्टेट के होते हैं। सो द स्कोप ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कम्स अंडर द आर्टिकल 72, वेयर इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नर दैट पावर कम्स अंडर द आर्टिकल 161। आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल ही पूछते हैं। प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर का आर्टिकल है 72, गवर्नर का पार्डनिंग पावर का आर्टिकल है आर्टिकल 161। अब गवर्नर की पार्डनिंग पावर क्या होती है, इसकी वीडियो हम अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे दो हमने सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट है कोर्ट मार्शल को लेकर डिफरेंस, सेकंड है डेथ सेंटेंस को लेकर पनिशमेंट हमारा डिफरेंस। अगर किसी पर्सन को आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन को अगर कोर्ट मार्शल की सज़ा मिली है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है उसको पार्डन प्रोवाइड करने की। दैट प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन टू दैट पर्सन। बट उसी जगह पे गवर्नर के पास एक पार्डन ग्रांट करने की, माफ़ी देने की उनके पास पावर नहीं होती है। तो कोर्ट मार्शल में जो पार्डन की पावर है सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। सेम एग्जैक्टली इफ यू टॉक अबाउट डेथ सेंटेंसेस, तो डेथ सेंटेंसेस के अंदर भी जो पार्डन ग्रांट करने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। चाहे स्टेट
यू नो हाई कोर्ट ने क्यों ना फांसी की सजा सुनाई हो, लेकिन फांसी को माफ करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज द सेंटेंस गिवन इज द सेंटेंस ऑफ डेथ, बट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर डज नॉट एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंस केसेस। तो हमने समझ लिया है कि कोर्ट मार्शल में और डेथ सेंटेंसेज में पार्डनिंग की एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। और आपने ये बातें ध्यान रखनी, क्योंकि एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्योंकि आपको पता है कि अब यूपीएससी के एग्जाम में, इवन सीडीएस सीएपीएफ के एग्जाम के अंदर भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लिखा था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसी स्टेटमेंट आपको एग्जैक्टली पूछी जाती है। और कभी कभी तो ये डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग और पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट गवर्नर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको ये बातें अच्छे से ध्यान रखनी है और सोच समझ के वीडियो को देखना है। नोट्स बनाना चाहो नोट्स ही बना सकते हो। बाकी अगर आपको इस पीपीटी की पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूं आपके फैकल्टी साहिल मदान। आप हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सब वीडियो को आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच।